इन्वेस्टमेंट ही सिखाती है, इन्वेस्ट कर रहे उसके साथ इन्वेस्ट करेगा। जय हिंद, स्वागत करते हैं आप सभी को महाजुगस इंडस्ट्रीज बाय दीपक सर। गाइस आई एम दीपक सर, स्वागत करता हूं आप सभी को एक मोटिवेशन क्लास में। ये मोटिवेशन क्लास आपकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि जवानी के लिए भी है कि आपकी जब जवानी की अवस्था आ चुकी है तो आपकी जिंदगी कैसी बनानी है और अब बनाने का जो समय मिलता है वो जवानी का ही समय मिलता है। टारगेट की बात करेंगे, हमारे मोटिवेशन क्लास का जो टॉपिक है मेन टॉपिक है वो हमारा टारगेट है और टारगेट के साथ दूसरी टॉपिक है तरप्ती प्यार। इस तरप्ती प्यार में इस टारगेट को कैसे पूरा किया किसी व्यक्ति ने और उस व्यक्ति ने टारगेट को तरप्ती प्यार के लिए पूरा कर दिया, ऐसे टारगेट की बात करने वाला हूं। ऐसी टारगेट भरी क्लास लेके आऊं गाइस। आज टारगेट का फुल फॉर्म के बारे में भी हमने जानेंगे डीपली जाएंगे, इसके बारे में समझेंगे कि अगर हमें टारगेट अगर पूरा करना होगा तो इसके फुल फॉर्म पे कैसे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात जो आती है हमारी टारगेट की फुल फॉर्म में, टी फॉर समय। एक वक्त आती है जिंदगी में, एक समय होता है, एक स्त्री के लिए 9 महीने का समय होता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, एक पति के लिए एक समय होता है उसे पत्नी से शादी करने के लिए, एक मोहब्बत करने के लिए समय होता है, आपकी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, आपकी जो भी रियल लाइफ हो, एक टाइमिंग होती है, भगवान को भी पूजा करने का एक समय होता है, साथ भगवान को गाली भी देने का एक समय होता है, आपको रात को सोने का समय हो सकता है, रात को जागने का समय हो सकता है, मोहब्बत करने का समय हो सकता है, किसी की शादी करने का समय हो सकता है, सास स्वागत का टाइम हो सकता है। लाइफ में सक्सेस का टाइम क्यों नहीं हो सकता, ये कभी सोचा नहीं तूने? लाइफ में सक्सेस का टाइम ला, टैलेंट का टाइम ला और एक बार टारगेट के लिए टाइम निकाल। देख जिस दिन टारगेट के लिए टाइम निकाल उस दिन जिंदगी में कोई तुझे टच करने वाला नहीं पैदा हुआ रहेगा। लाइफ की बात कर रहा हूं, टारगेट की तेरी बात कर रहा हूं। जब जिंदगी में एक बार तूने टारगेट ठान लिया कि यस अचीव सक्सेस अचीव, यार चिल्लाओ अंग्रेज बन जाओ, सक्सेस करते रहो दिन भर, बीमारी पाल लो अपने अंदर सक्सेस की और टारगेट की। एक बार लाइफ में टारगेट पूरा करके देखो जिंदगी में कितना मजा आता है। और जिस दिन से तूने ठान लिया कि यस टारगेट पूरा करना है, टारगेट के लिए जान भी दे देंगे और टारगेट के लिए हो सकता तो हिंदुस्तान के हर कोना कोना तक छान देंगे, यस जिस दिन तूने टारगेट के लिए ठाना था, जिस दिन तूने टारगेट के लिए कोशिश किया था, उसी दिन से तेरी जिंदगी में एक मोहब्बत का पहाड़ टूटेगा। यह मोहब्बत का पहाड़ सिर्फ तेरी जिंदगी में टूटा है, तू सोचता है कि सिर्फ तेरी जिंदगी में टूटा है, गलत बात सोचता है। यह मोहब्बत का पहाड़ पूरी दुनिया में टूटता है, हर किसी के पास टूटता है। आज हम एक ऐसे पर्सन की बात करेंगे जिस पर्सन का नाम है मुगल बादशाह शाहजहां और उसकी पत्नी मुमताज। ये एड्रेस नाम है बुरहानपुर रहने वाली आगरा। लाइफ में इमेजिंग कर, आज हम उस शख्सियत की बात कर रहे हैं जिसने टाइमिंग को देखा, टारगेट किया था लाइफ में, यस बनना है राजा, सम्राट बनना है, वो सम्राट बनना है जो हिंदुस्तान के इतिहास में नाम लिया जाएगा और वो सम्राट बन के दिखा दिया। 14 वर्ष की जब जवानी थी तो उसने तलवारबाजी में कलाम में निपुण हो गया था, 18 वर्ष का जवान हुआ तो भाग लिया अपने महल में अपने पिता के सामने और जीत हासिल की। 22 साल की उम्र में इसने अपने आप को करेजे पे वो पत्थर रख करके शपथ लिया था कि साला युद्ध से अगर मैं जीत के नहीं आया तो ये पत्थर मेरे सर पे होगा। इसने ठान लिया था, टाइमिंग निकाला, अपने बात को प्रूफ किया कि यस वो टारगेट पूरा कर सकता है, टाइमिंग निकाला और 22 साल की उम्र में जाकर के अपनी युद्ध भूमि पर युद्ध लड़ा और पहला युद्ध ही इसे विजयी भव बना दिया और पहला युद्ध इसने जीत लिया। कैसे? टाइमिंग का सही प्रयोग किया। टाइमिंग का सही प्रयोग कर, लाइफ में तुझे जो टाइमिंग मिली है ना वो जवानी की टाइमिंग मिली, जवानी की टाइम वेस्ट मत कर। जवानी के जो जवानी का टाइम है ना, योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम, ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है तेरे लिए, इसका उपयोग कर अच्छे से समझ। टाइमिंग का प्रयोग किया था बच्चे ने, 14 साल में कला में निपुण हो गया था, 18 साल में अपने आप को मजबूत बना दिया और 22 साल की उम्र में वो फील्ड में उतरा और युद्ध लड़ करके और जीत भी हासिल किया। एक टाइमिंग होनी चाहिए जिंदगी में टारगेट के लिए तेरे पास। दूसरी बात कर लेता हूं, ऑडिट, हिसाब किताब। लाइफ में हिसाब किताब बहुत जरूरी है तेरे पास। अगर किसी बाबू सोना कर जो तुम कह सकते हो जिसको कुछ कर भी कर रिचार्ज करने का उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, बात करने का हिसाब किताब नहीं होता तेरे पास। टाइम कोई भी हो तू बात करेगा उसका हिसाब किताब नहीं होता है। लेकिन अगर पापा कोई काम कहते हिसाब किताब है, पापा पैसा मांग दिए हिसाब किताब है, मम्मी ने कोई काम कह दिया हिसाब किताब है, घर वालों ने कोई काम कह दिया हिसाब किताब है। लेकिन तुझे उस चीज के लिए हिसाब किताब नहीं किया, एक लड़की का जिस तरह से हिसाब किताब नहीं करता है उस तरह से सभी का हिसाब किताब करता है। लेकिन मान लो
उसका हिसाब किताब नहीं, पापा की परी हो उसका हिसाब किताब नहीं, फोन रिचार्ज कराया उसका उसका हिसाब किताब नहीं। लाइफ में अगर तू किसी का हिसाब किताब छोड़ सकता है तो अगर तू सुन जो अपनों का हिसाब किताब रख रहा है तो ठीक उसमें एक और हिसाब किताब जोड़ ले अपने लाइफ की। ये अपनों ने तुझे पैदा करके दिया है और वो जो पापा की परी है साली वो सिर्फ तेरे वक्त की हालात की एक छोटी सी मोहरा है। जब तू सक्सेस की लाइफ में जाएगा तो एक छोटी सी मोहरा है तेरी जिंदगी में आने वाली। उसका हिसाब किताब तू नहीं रखता है, सोचता है कि बहुत तेजी है। नहीं नहीं, लाइफ में इमेजिनेशन कर कि तेरे अपनों ने तेरे को लाइफ में हमेशा बनाने की सोची है, लेकिन किसी फीमेल आकर के तेरी लाइफ में, कोई भी गर्ल हो फीमेल हो कितना भी हो यार पापा की कोई परी, तुझे सिर्फ लाइफ में इन्वेस्टमेंट ही सिखाती है। इन्वेस्ट कर उसके साथ, रेस्ट कर, और जितना इन्वेस्ट करेगा उसके साथ उतना ही रेस्ट करेगा। सारा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फील्ड है, एक बार सही से जांच पड़ताल कर अपने लाइफ में ऑडिट रख, हिसाब किताब रख, अपने सक्सेस का हिसाब किताब रख। तू कितना आज मेहनत किया, आगे कितना मेहनत करने वाला है, तू किससे मिला आज दिन में, वो व्यक्तियों से मिल जिस व्यक्तियों से तुझे मिलकर सफलता मिलेगी। अपने लाइफ में वो हिसाब किताब कर, जो अच्छी चीजें हैं उसका हिसाब मत किताब कर। जिस तरीके से तू घर वालों के हिसाब किताब करता है और वो बुरी चीजें तो उसके हिसाब किताब नहीं करता है, वाकई में प्यार बहुत अच्छी चीज होती है, उसका हिसाब नहीं किताब नहीं किया तूने और घर वालों को बुरा समझ के उसका हिसाब किताब रखता है। अरे बेवकूफ इंसान, घर वाले ही अच्छे हैं, घर वाले भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, और जो अच्छी है वो बुरी है। ठान ले, अगर उसे अच्छा समझकर उसे हिसाब किताब छोड़ दे रहा है और घर वालों की हिसाब किताब क्यों रखता है, तो क्यों घर वाले बुरे हैं, तुझे काम कर देते हैं, काम दे देते हैं, तेरी सोच गलत है बेटा। सोच सुधार, अपना हिसाब किताब रख, लेके अचीवमेंट की रख, सक्सेस की रख, किसी सक्सेस व्यक्ति से रख, पावर की रख, अपने अंदर जुनून जगा के रख। बात करते हैं सजा की, हिसाब किताब। लाइफ में मोहब्बत हुई थी, हिसाब लाइफ में मोहब्बत हुई थी पहली बार साजा, वो किसी युद्ध भूमि पे ही मोहब्बत हुई थी। वहां पे एक लड़की आई थी, उसका नाम था मुमताज। मुमताज, मुमताज से हुआ मोहब्बत साजा को और साजा ने कर लिया इससे शादी। हिसाब किताब रखा कि जब तैनात हुआ, जब एक साथ क्या शेर बना, जब साजा ने शेर बना युद्ध में भूमि में जीत करके मुमताज से शादी किया, और मुमताज से शादी करने के बाद लाइफ में हिसाब किताब से जिस तरह से प्यार का रखता था उस तरह अपने युद्ध की रखता था। एक दिन आने वाले वक्त में सम्राट बन गया। कौन सम्राट बना? मुगल बादशाह का सम्राट बना साजा। उसी तरह से देख रिव्यू आता है, दोबारा अपने लाइफ को देखा साजा ने, सोचा कहां गलती हो गई कि मैं सम्राट नहीं बन पा रहा था। सम्राट बना जब दोबारा अपने समय को देखा, अपने हिसाब किताब को देखा, कहां गलती है, उसमें से जो डाउट था उसको निकाला, गलतियां निकाला और सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद मुमताज और सम्राट बहुत ज्यादा खुश थे। शादी करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ को बेहतरीन तरीके से जिंदा मतलब जी रहे थे, प्यार कर रहे थे, मोहब्बत चल रहा था। खाने से लेकर के पीने तक, ओढ़ने से लेकर के नहाने धोने तक सब चीज की हर एक व्यवस्था लगी। रानी थी मुमताज, भी कोई आलू छिलने वाले की बेटी नहीं थी, मुमताज भी एक बड़े घराने की बेटी थी बेटा, और साजा भी एक सम्राट का बेटा था। और ये दोनों की प्रेम कहानी बहुत बढ़िया से चल रही थी। धीरे धीरे जिंदगी ने आगे कदम लिया तो आगे बात गाइडलाइन की। जिस तरीके से परिवार में तू गाइडलाइन नहीं लेता है ना, लाइफ में गाइडलाइन तुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तू टारगेट करके बैठा ना तुझे गाइडलाइन की जरूरत पड़ेगी। अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, उसको देखने के लिए एक व्यक्ति चाहिए तेरे पास, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुझे अच्छाई की भी बुरा बात करा सके, अच्छाई की बात सिखा सके और बुराई की भी बात सिखा सके, और दोनों में फर्क बता सके कि अच्छा है बेटा ये बुरा है तेरे लाइफ के लिए। अचीवमेंट तो तुझे करना है, सक्सेस तुझे करना है, लेकिन इसकी बात तेरे की तुझे ढूंढना पड़ेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है, अच्छा कौन है बुरा कौन है, तुझे पकड़ना पड़ेगा कि बेटा ये अच्छा है बेटा ये बुरा है, बुराई और अच्छाई तुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अच्छे गाइडलाइन ले लाइफ में, एक अच्छे अचीवमेंट चाहिए तो एक अच्छे व्यक्ति से गाइडलाइन ले, उससे ले जो सक्सेस है। अच्छे टीचर से ले, टीचर करो पैर पकड़ ले, घोर के पी ले उसको, चरण धो के पी ले और बोले बेटा मुझे सक्सेस कर दो गुरु जी, सक्सेस कर दो। ऐसा कर बेटा, लाइफ में टीचरों की इज्जत कर, छोटा बड़ा उससे मत देख। एक बार अचीवमेंट के पीछे इनका सबसे बड़ा हाथ होता है, तुम दिशा निर्देश सही गाइडलाइन लेना पड़ेगा तुझे। और सम्राट ने गाइडलाइन लिया कि शादी के बाद होते सम्राट बना, सम्राट बनने के बाद एक बेताब बादशाह बनने के लिए ठाने तक हिंदुस्तान में वो अलग बात दूंगा। साला जहां भी जाओगे मुगल सम्राट को याद करोगे, शाहजहां को, एक ऐसा बेताब बादशाह बनना था उसे। उसने गाइडलाइन लिया और गाइडलाइन लेने के बाद उससे क्या बात होती है, हमारे अगले हाथ ये क्वेश्चन है, एजुकेशन ज्ञान।
गाइडलाइन जब मिलती है तो आपके अंदर एक सही ज्ञान आएगा, और जब सही ज्ञान आपके पास आया तो आपकी जिंदगी वाकई में सफल होने लगती है, टारगेट की तरफ चलने लगते हैं। और लाइफ में जब आपने ठान लिया कि टारगेट मुझे पूरा करना है, टारगेट पूरा करना है, आपको सफल होना है, तो अचीवमेंट के लिए थोड़ी सी बात बता देती हूं मैं आपको कि जब आपके पास अच्छी दिशा निर्देश होगा, जब गाइडलाइन अच्छी होगी ना, तो एजुकेशन भी आपके पास माइंड में अच्छा क्रिएट होगा। और सम्राट ने एक बार माइंड में क्रिएट किया कि अब तरीकी असलाम जब इतने छोटा से युद्ध जीत सकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का क्यों नहीं जीत सकते, हिंदुस्तान का क्यों नहीं जीत सकते, और हिंदुस्तान के जीत करके हिंदुस्तान का पिता बादशाह बनके दिखा दिया। अब तरीकी आज लड़ते हैं तेरे से, कितना पावरफुल है तेरा युद्ध में, और युद्ध से लड़ा, रणभूमि में जाकर लड़ा और बन गया बेताब बादशाह। इतिहासकारों ने एक खूब नाम लिखा है भैया, इतिहासकार भी इसके दीवाने हो गए, ऐसा काम कर दिया। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ज्ञान तेरे पास हो जाएगा जिंदगी के बारे में, जब तेरे पास प्रशिक्षण की चाहिए, ट्रेनिंग, इन सबको जब मिला देगा, जब पूरी तरह टारगेट को कंप्लीट करेगा, तेरे पास आती है ट्रेनिंग, और तूने क्या सीखा है, तूने क्या समझा है, पूरी क्लास की, पूरी जिंदगी की, पूरी लाइफ की जो निचोड़ होती है ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग। और जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनिंग में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की छूट जाती है पसीने में, ट्रेनिंग है क्या ये तो बता दो। अब मुगल बादशाह को देखो, शाहजहां की ट्रेनिंग, लाइफ में इतने युद्ध करने के बाद उस व्यक्ति के बाद छोटे से बच्चे में जाकर 22 साल के समय में युद्ध करने वाला, रणभूमि पर लड़ने वाला, शाहजहां की बात मैं कर रहा हूं, वही शाहजहां फिर आगे जिंदगी बिताई, मुमताज के साथ लाइफ बिताया, कितने बच्चे हुए, 13 बच्चे हुए, 14वें बच्चे के समय में मुमताज कहीं दूसरे सफर में थी, मुमताज को उदर पीड़ा के कारण उसके बच्चा तो जन्म देने के बाद वो मर चुकी, क्योंकि उसके पास उसका पेन इतना दर्द ज्यादा था कि वो सह नहीं कर पा सकी। 787 किलोमीटर की सफर तय की थी, और 787 किलोमीटर सफर तय करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, जिसे मुमताज से शाहजहां बेपनाह मोहब्बत करते थे, उस व्यक्ति की सोचो, जब पूरे इतने लाइफ में इतने चीज को हिसाब किताब किया, पूरी लाइफ बना के लाया, पूरी जिंदगी बना के लाया, और लास्ट में उसकी, जिसे दिल में बसा के रखा, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कैसा लगेगा। लाइफ की सबसे बड़ी चिपमेंट थी, हिंदुस्तान का प्रताप बादशाह बना, और प्रताप बादशाह बनने के बाद उसकी जिंदगी से सबसे बड़ी उसकी खुशी छीन लेते हैं भगवान, और जब खुशी छिन गई तो इसने भी ठाना था, आज नहीं तो कल सारा बना के दिखाएंगे, प्यार जीने साला एक दिन सिखा के बताएंगे, दिखाकर बताएंगे, और बता दिया दिखा करके, उसी मुमताज के लिए, उसी मुमताज के लिए जान जी लगा करके चलने वाला ये सरताज, हासिल करने वाला एक बेताब बादशाह, जुनूनी पागल हुआ, जुनून अंदर लिया, पूरी ट्रेनिंग फोल्ड कर लिया अपने, और लाइफ में बनाया ताजमहल, और कह दिया कि जिसने हमारे बीवी के मृत्यु पे लोग झांकने तक नहीं आते हैं, और झांकने तक नहीं आए थे साले, अपने ने नहीं आए थे झांकने, उसी बीबी के याद में बनाए गए ताजमहल को सारा मुंबई छोड़े, हिंदुस्तान छोड़ सारा, हिंदुस्तान के बाहर से देखने के लिए आते हैं, ऐसा नजारा बना दिया, और कह दिया था कि देख ऐसा बनाऊंगा जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा, ब्रह्मांड में नहीं होगा, सारा इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, मतलब दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग ताजमहल भी होता है बेटा, प्यार की निशानी कही जाती है ताजमहल, मुमताज को देने के लिए बना दिया, मुमताज की याद में बना दिया। तो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए कि अगर जुनून है, अगर पावर है आपके पास, अगर मोहब्बत के लिए इतनी कर सकते हैं, शाहजहां की तरह कर सकते हैं, तो सुन जितने 786 किलोमीटर यानी 787 किलोमीटर जाकर के उस बीबी का लाश लेके आया था, उस लाश पे सारा रोने वाला कोई था नहीं, खुद रोया था, खुद की आंसू बहाई थी, और उसने कसम खाई कि देख जिसने तेरी इस मृत्यु वाले शरीर को देखने तक नहीं आए, मां कसम तुझे ऐसा चीज दूंगा कि उसे घूमने के लिए लोगों को आना पड़ेगा, हिंदुस्तान में आना पड़ेगा, और लेट तेरे की आगरा में बनाया ताजमहल, और आज मां कसम वहां पे घूमने के लिए लोग विदेशों से सलाह आ रहे हैं, ऐसा ट्रेनिंग ले, टारगेट फिक्स कर माइंड में, अगर प्यार के चक्कर में इतना चीज टारगेट हो सकता है तो क्यों नहीं, अगर ये बादशाह बनकर के इतना काम कर सकता है तो तू तो बेताब बादशाह है बेटा, उस वक्त दुनिया गुलाम थी, जिस वक्त इसने अपने मेहनत पे बेताब बादशाह बना, उसने आजादी से ली, आजादी देने के बाद कई रियासतों को जीतने के बाद शासन किया था, लेकिन तू तो खानदानी ने पैदाइशी शासन है बेटा, अब आज सुधर जा, कह दो अपनों से छोड़ दोगे कोई बात नहीं चल लेंगे, दर्द दोगे झेल लेंगे, जहर दोगे साला पी लेंगे, आज नहीं तो कल तुम्हारा वक्त अच्छा होगा, और जब तुम्हारा वक्त अच्छा होगा तुम भी साला जबरदस्त तरीके से उसको रेल देंगे, ऐसा समझ लेना कि दर्द देता है आज कोई झेल लेना, जहर देता है कोई पी लेना,
और कोई दर्द दे जहर दे तो भी पी लेना, अपनों ने देने के लिए इनको कौन रोकेगा बेटा, तुझे अपने लोग ही तुझे जहर देंगे, तुझे दर्द देंगे, सहन कर लेना। और जब तेरा वक्त अच्छा होगा तो इन ससुरों को जबरदस्त तरीके से रेलना, ऐसी याद रखना, अपने लाइफ में मोमेंट रखना, पावर रखना। या आज टारगेट की क्लास में बस इतना ही सोचो कि लाइफ में अगर मोहब्बत के साथ इतना टारगेट पूरा किया जा सकता है तो सोचो जिस लाइफ में अचीवमेंट हासिल करना है, तुझे ISPCS बनना है, तुझे पावर हासिल करना है, अपने लाइफ में अचीवमेंट हासिल करना है तो टारगेट को पूरा कर, सही टाइम पे सही काम किया कर, एडिट हिसाब किताब रखा कर जिंदगी के पूरे बारे में, और रिव्यू दोबारा देख कर गलती तो नहीं होती, गाइडलाइन में रहा हमेशा, लोगों के कनेक्टिविटी में रहा, अच्छे लोगों की सक्सेस लोगों की कनेक्टिविटी में रहा, एजुकेशन, तब जाके तेरे दिमाग में अच्छे ज्ञान आएंगे। और उसके बाद आगे ट्रेनिंग, बेटा ये पूरी दुनिया ट्रेनिंग है तेरे लिए, और जितना आगे चलता जाएगा ट्रेनिंग बढ़ता जाएगा, ट्रेनिंग होता जाएगा, एक मानो तो पूरी लाइफ ट्रेनिंग है, लेकिन सक्सेस के लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग बहुत जरूरी है टारगेट की। लेकिन टारगेट क्लास में मिलेंगे, क्लास में, तब तक के लिए आपके लिए थैंक यू गाइस।